कैसे हैं सब? वेलकम बैक टू द चैनल टेक बिजिस्टिक। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 3 या 4 मंथ हो ही चुके हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी यूट्यूब की जो वीडियोस है वो किस तरीके से शूट करता हूँ और क्या क्या मुझे करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। और जो यूट्यूब पे आने वाले न्यू बिगनर्स होते हैं उनको किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या क्या उनको करना चाहिए अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब पे, वीडियोस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए अलग अलग कंटेंट्स पे टेक से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँ और आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा छोटा सा एक स्टूडियो जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ। एक्चुअली मेरे घर में कोई भी रूम ऐसा नहीं है जो सही हो, इसलिए मैं अपने आंगन में ही अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ ये ग्रीन पर्दे पे। क्या होता है कि क्रोमा की हमारे यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड सही नहीं है वीडियो शूट करने के लिए, इसीलिए मैं क्रोमा की का यूज़ करता हूँ, अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ बैकग्राउंड के लिए। और जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जिनके पास जगह की प्रॉब्लम होती है शूट करने के लिए, उनके पास कोई जगह नहीं हो, तो वो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और आज मैंने ये वहाँ पे ऊपर चादर वादर लगाई है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत धूप आती है, कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि बिल्कुल भी धूप नहीं होती है तो फेस पे जो है ना लाइटिंग ऊपर नीचे होती रहती है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ना मेरे पास अभी कोई ट्राईपॉड है तो मैं सिंपली ऐसे चेयर पे, टेबल पे बॉक्सेस लगा के और यहाँ पे सामने की तरफ बैठ के इस तरीके से मैं अपना मोबाइल यहाँ पे लगा देता हूँ इस पे, और यहाँ पे मोबाइल रख के मैं अपनी वीडियोस को जो है वो शूट करता हूँ, जिससे थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है वो सही आ जाती है। माइक में अपना सिंपली जो है वो मैंने मार्केट से 150 रुपीज़ का लिया था ऑडियो के लिए कि मैं उस चीज़ को शूट कर पाऊँ। कभी कभार आपने देखा होगा अभी रिसेंटली वीडियोस में कि मेरे वीडियोस के पीछे जो है वो मैं बैकग्राउंड का यूज़ कर रहा हूँ, और अभी जो मैंने हाल ही में टीवी न्यूज़ सीरीज़ जो निकाली है उसमें काफ़ी टाइम लगता है एडिट करने में, क्योंकि क्या है कि बैकग्राउंड तो हम इस चीज़ का यूज़ करके लगा देते हैं मगर एडिटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और कंप्यूटर से एडिट नहीं करता हूँ मैं, अपने मोबाइल से ही एडिट करता हूँ। सो ये था मेरा एक छोटा सा सेटअप जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ। मैं अपने कैमरा को सामने, मेरे जो मोबाइल है उसको मैं सामने रख देता हूँ और सामने बैठ के मैं आपके सामने इस तरीके से वीडियो को अपनी शूट करता हूँ। जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनके पास जगह की प्रॉब्लम होती है, सिस्टम्स की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, ट्राईपॉड की प्रॉब्लम होती है, रिंग लाइट की प्रॉब्लम है, लाइटिंग आउटडोर सही नहीं होता है, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं अपना पूरा छोटा सा एक सेटअप बना के अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको वाकई में वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी लगी हो कि वो सही हो और आगे चल के मैं उस चीज़ को इम्प्रूव भी करूँगा, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।